बेटा हमने सेवेंथ क्लास की 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, आज हम 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यूज निकालनी बेटा। मल्टीप्लाई के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था क्या हो जाएगा बेटा, प्लस को प्लस साइन को अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस साइन को अगर प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट किसका आएगा, माइनस का। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट किसका आएगा, प्लस का। और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट किसका आएगा, माइनस का। अब यही डिवाइड करेगा, प्लस की डिजिट को अगर प्लस की डिजिट से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, प्लस का। फॉर एग्जाम्पल 5/5 इज इक्वल टू 1, प्लस की डिजिट को माइनस की डिजिट से डिवाइड करेंगे, किसको, प्लस को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस से, तो प्रोडक्ट किसका आएगा बेटा, माइनस का। माइनस को अगर प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट किसका आएगा, माइनस का। माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट किसका आएगा बेटा, प्लस का। वो ये बेटा सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट किसका आ रहा था, प्लस का आ रहा था। अपोजिट से अपोजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हो प्रोडक्ट साइन किसका आ रहा था, माइनस का। यहाँ भी सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, प्लस का। अपोजिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का। जैसे -6/2, 6 किसका है, माइनस का है, 2 किसका है, प्लस का है, प्रोडक्ट साइन किसका हो गया, माइनस का। 8/-4, 8 किसका आ गया, माइनस का। माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे, सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे -4/-4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई के लिए है, -30 और 10 किसका है बेटा, प्लस का। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे, माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका है बेटा, माइनस का। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा, 10 θ 30। अब देखो 50 किसका है बेटा, प्लस का है। 5 किसका है, माइनस का है। प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का। यहाँ वो आपको डिवाइड नहीं समझाना चाह रहा, वो आपको साइन कि साइन प्लस का माइनस के साथ साइन में क्या रिलेशन आता है वो समझाना चाह रहा है। तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, 5 × 10 = 50 किसका, माइनस। अब देखो दोनों माइनस के, माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट किसका आता है बेटा, प्लस का। तो 9 × 36 किसका आ गया बेटा, प्लस का। अब देखो 49 किसका है बेटा, माइनस का। ये 49 किसका है, प्लस का। माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो क्या रहेगा, 49 × 49 किसका, माइनस का। ये देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, क्या है मेरे पास बेटा, 30 / -2 और +1। -2 में से +1 सब्सक्राइब करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। अब 30 किसका है, प्लस का है। 1 किसका है, माइनस का है। प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस के 30। देखो नेक्स्ट देखो बेटा, जीरो को -12 से डिवाइड करना। जीरो में किसी भी डिजिट, जीरो को अगर किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बेटा, जीरो। और जीरो की प्लस की वैल्यू भी वही होती है जो माइनस की होती है, वही क्या आएगा वैसे अगर देखें तो -0 0 सेम एक ही है। इसको देखो बेटा, -30 डिवाइड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -30 और -1 दोनों किसके हो जाएंगे बेटा, चलो -30 प्लस को माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा बेटा, प्लस को माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, माइनस का। ये क्या आ गया बेटा, -31 डिवाइड बाई 30 और 1 दोनों किसके हैं, माइनस के, ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आ जाएगा बेटा, माइनस। अब माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा, प्लस का। 31 बन जा
क्लियर है? ये देखो बेटा माइनस का 36 और 12 है। पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 36 किसका है? माइनस का है, 12 किसका है? प्लस का है, प्रोडक्ट साइन किसका आएगा? माइनस का। 12 3 जा 36 डिवाइड बाय 3। अब 3 किसका है? माइनस का। ये 3 किसका है? प्लस का। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अपोजिट साइन है तो 3 बन जा 3। ये देखो बेटा -6 और प्लस का 5, -6 में से प्लस के 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय माइनस का 2 और प्लस का 1। -2 में से +1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -1। -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 1। क्लियर है? लिख लो। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई दैट ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। सॉरी बेटा ये प्लस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए इक्वल टू 12 है, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू 2। इन पे हमें करके देखना है बेटा ये सही है या गलत है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा? एलएलसीएस। देख इसको और इसको अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो गलत है, नॉट इक्वल आ रहे हैं क्या है? सही है। हमें इन दोनों वैल्यू पे करके दिखाना है बेटा क्या है। ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है? 12 है। डिवाइड बाय बी की वैल्यू क्या है? -4। प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटा? 2। 12 है डिवाइड बाय माइनस के 4 और प्लस के 2, क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 2। अब 12 किसके है? प्लस के है। 2 किसके है? माइनस के। प्लस को माइनस से डिवाइड कर दे तो प्रोडक्ट किसका आता है बेटा? माइनस का 2। 2 6 जा 12, -6 आ गया। आरएचएस राइट हैंड साइड क्या है बेटा? ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 12 है। डिवाइड बाय बी, बी की वैल्यू क्या है? -4। प्लस ए, ए की वैल्यू क्या है? 12 है। डिवाइड बाय सी, सी की वैल्यू क्या है? प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट किसका आएगा बेटा? माइनस का। 4 3 जा 12 है। प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 है। 6 में से -3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 6। सो LHS does not equal to LHS क्या आ रहा है? -6। तो ये क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें क्या हो गया बेटा? ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है बेटा? ए इक्वल टू -10, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। कोई एलएचएस क्या है? ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ए की वैल्यू -10 डिवाइड बाय बी, बी की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? 1। -10 डिवाइड बाय 1 और 1 क्या हो गया? 2। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा बेटा? माइनस का। 2 5 क्या 10। आरएचएस क्या बेटा? ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी, ए की वैल्यू क्या है? -10, बी की वैल्यू क्या है? 1 प्लस ए की वैल्यू -10 और सी की वैल्यू 1। अब देखो माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा? माइनस का। -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10। प्लस प्लस माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट साइन किसका आएगा? माइनस का। क्या जाएगा बेटा? 10। -10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। माइनस के 10 और माइनस के 10 दोनों के साइन क्या है? सेम है तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20। लेकिन
साइन किसका आएगा, माइनस का. सो एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस. देख लो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स. 369 को किस डिजिट से डिवाइड करें कि 369 आए. क्या होगा बेटा, वन. वन से अगर किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो वो सेम डिजिट आएगा. माइनस 75 को किस से डिवाइड करें कि माइनस आया. देखो माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है बेटा, ये तो क्लियर है. तो जो डिजिट आएगी वो किसकी आएगी, प्लस की आएगी. तो 75 बन जा 75. माइनस 206 को किस डिजिट से डिवाइड करें तो किसकी आए बेटा, प्लस की. तो माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट किसका आता है बेटा, प्लस का आता है. तो किसे डिवाइड करेंगे, माइनस 206. माइनस 87 को किससे डिवाइड करें कि प्लस का 87 आए. तो माइनस को किस डिजिट से डिवाइड करें कि प्लस की आए बेटा, माइनस से. तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1. वन का किस डिजिट में भाग दे कि माइनस 87 आ रहे, यानी कि ये डिजिट क्या हो कि जिसे वन से डिवाइड करें और प्रोडक्ट किसका है, माइनस 87. वन किसका है बेटा, प्लस का. प्रोडक्ट किसका आ रहा है, माइनस का. तो डिजिट किसकी होगी, माइनस की. क्या होगी, 87. वही किस डिजिट में वो 48 से डिवाइड करें कि प्रोडक्ट किसका है, माइनस का है. 48 किसका है बेटा, प्लस का है. प्रोडक्ट किसका आ रहा है, माइनस का है. तो डिजिट किसकी होगी बेटा, माइनस की. क्या होगी, 48 बन गया 48. 20 को किस डिजिट से डिवाइड करें कि माइनस को आ जाए. देखो 20 किसका है, प्लस का है. 2 किसका है, माइनस का है. तो प्लस को किससे डिवाइड करेंगे जो माइनस आ रहा है बेटा, माइनस से. किससे, 10 से. 20. अब देखो किस डिजिट को 4 से डिवाइड करें कि प्रोडक्ट किसका है, माइनस का है. 3 आए तो 4 किसका है, प्लस का है. डिजिट किसकी आएगी बेटा, माइनस की. 4 3 जा. क्लियर है बेटा, लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में.